हाई एवरीबडी आई होप यू गाइज़ आर डूइंग वेल तो जब हम जी मैट की बात करते हैं और जो स्टूडेंट्स इंडिया में रह कर ही अपना एम बी ए करना चाहते हैं तो तुरंत जो नाम दिमाग में आता है वह आता है आई एस पी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस येस सो इट इज़ इंटरनेशनली अक्लेम्ड रिसेंटली बाई फाइनेंशियल टाइम्स इसकी ऑल ओवर इंडिया रेटिंग वन थी और इंटरनेशनली दिस हैज़ बीन रेटेड एज थर्टी फर्स्ट बेस्ट b school right year it was 39 thi, it has bounced back to 31 again so an amazing school amazing b school which gives you a lot of exposure right to inka pgp program hai, which is the most sought after program so let's see how can you take entry to these amazing programs offered by isb and what is the selection process so let's get started my name is juhi narula तो जब हम बात करते हैं आई एस बी की तो इनका एक प्रोग्राम है जिसको पीजीपी कहते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट राइट तो इसको यूजुअली आप कैसे टर्म करते हैं पीजीपी प्रोग्राम टर्म करते हैं तो जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स कुछ वर्क एक्स के बाद अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं आपको लगता है कि आप स्टेग्नेट हो गए हो और अब ग्रोथ नहीं हो रही या मैनेजरियल पोजीशन पर जाने के लिए आपके पास डिजायर्ड स्किल सेट नहीं है या आपको पॉलिशिंग की जरूरत है वो यूजुअली इस प्रोग्राम में इनरोल करते हैं राइट right? तो ये एक ही साल का प्रोग्राम होता है एंड दैट इज डिज़ाइंड इन सच अ वे टू हेल्प प्रोफेशनल्स हुर इन द मिडल स्टेज ऑफ देयर करियर टू एडवांस बेटर राइट तो जब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम की सो देर थ्री वेज तो एक तो पीजीपी प्रोग्राम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एक होता है अर्ली एंट्री ऑप्शन सो व्हेन यू आर सीइंग EEO दैट्स अर्ली एंट्री ऑप्शन और एक होता है वाई एल पी विच इज द यंग लीडरशिप प्रोग्राम तो ये तीन मोड्स हैं डिपेंडिंग ऑन आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है और अकेडमिक स्टेटस क्या है तो अगर आप पी जी पी की बात करते हो तो आपके पास बैचलर्स या इक्वलन डिग्री होनी चाहिए ये अर्ली एंट्री ऑप्शन के लिए भी सेम ही है और अगर आप यंग लीडर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर आप कॉलेज में हो तो भी इसके लिए अपनी एप्लीकेशन को भेज सकते हो और आपको जी मैट जी के वैलिड स्कोर्स होना ज़रूरी है राइट right? और अगर आप पीजीपी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 24 फोर मंथ्स का यानी कि ऑलमोस्ट टू इयर्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है अगर आप अर्ली एंट्री ऑप्शन लेते हैं विच इज़ फॉर पीजीपी जी डेफर्ड एडमिशन राइट तो मतलब यू टेक एडमिशन एंड यू अप्लाई अर्ली एंड वेन यू हैव द राइट एक्सपीरियंस यू कैन गेट इन इट राइट सो उसके लिए दिस इज़ फॉर पीपल हु हैव लेस देन ट्वेंटी फोर मंथस का वर्क एक्सपीरियंस और यंग लीडर प्रोग्राम एज यू कैन सी दैट दिस इज बेसिकली फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स हुआ स्टिल इन कॉलेज सो यहाँ पर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस की इस टाइम ज़रूरत नहीं होती राइट right? अब हम आगे बढ़ते हैं तो जब आप पीजीपी के लिए बात करते हो तो आपके पास सिक्स इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं जिसमें पहला है अकेडमिक्स तो जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस को फिल करते हो तो इन छह एरियाज़ पे आपसे डिटेल्स मांगते हैं सो अकेज ऑफकोर्स हाउ मच यूफ़ गॉट इन योर टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने एम करा है या एम नहीं करा उसके अलावा कोई डिग्री है तो वट वॉज द परसेंटेज वट इज़ द वर्क एक्सपीरियंस राइट वट आर द रिस्पांसिबिलिटीज दट यू टुक इनिशिएटिव दैट यू स्टेड वट योर अचीवमेंट सो दैट्स द वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑफकोर्स इफ़ एन

एसिड चेक करता है कि हाउ आर यू यूनिक व्हाट इज द एबिलिटी दैट यू हैव हाउ आर यू सेलिंग योर सेल्फ इज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ परपजस दैट यू नो What you have done so far, how you are a good fit for this particular program that the college should take you, how you can contribute, how do you see your journey, where do you see yourself after completing the program, right? What are your expectations, what are your ambitions? So, basically, a wholesome essay where you are trying to explain, you're trying to sell yourself basically that please take me, these are my skill sets, this is what I'm going to achieve, and I'm going to be a successful alumni of ISP, right? Then, of course, you have got any recommendations. रिकमेंडेशन वर्क इन अलिड वे राइट तो अगर आपका कोई मैनेजर किए क्लेम करके कह दे कि बच्चा ये स्टूडेंट तो बहुत ही ये, मेरा जूनियर बहुत बढ़िया था बहुत प्रोमिसिंग था आपका प्रोफेसर कह दे आपका मैंटोर कह दे कोई सीनियर कॉलीग कह देट एज अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर एप्लीकेशन प्रोसेस राइट तो बना के रखनी चाहिए अपने मैनेजर्स के साथ ठीक है सो दिस इज़ हाउ यू आर यू नो दिस आर सिक्स एरियाज तो आप जब फॉर्म फिल करते हैं या आपको छह एरियाज पे अपने रिस्पॉन्स देने होते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में ऑफकोर्स अकेडमिक क्रेडेंशियल्स काम करते हैं आपका लीडरशिप पोटेंशियल क्या है और आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या हैं सो दीज आर ऑल द एरियाज तो मतलब अकेडमिक क्रेडेंशियल्स हाउ यू हैव परफॉर्म तो बेसिकली देखिए टेंथ ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप कितने सिंसियर रहे और आपने कितना सिंसियरली एफिशेंटली मन के साथ पढ़ाई करी है राइट ये एक सॉर्ट sort ऑफ of, आपका डेडिकेशन ही तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है आपका डिसिप्लिन ही तो डेमोस्ट्रेट कर रहा है तो अगर आप सिंसियर स्टूडेंट रहे हो तो एक्सपेक्टेड है कि आप ढंग से कॉलेज में भी पढ़ोगे और अपने आ, करियर को आगे लेके जाओगे एंड यू विल बी अ वैल्यूएबल यू नो अ टू द कॉलेज एंड यूल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल इमेज द कॉलेज इज क्रिएटेड तो अगर हम कहते हैं कि इस कॉलेज की रैंक थर्टी वन है इंटरनेशनली तो किसी भी कॉलेज की रेपुटेशन कैसे बनती है कि कैसे स्टूडेंट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है और वो स्टूडेंट्स मार्केट में जाके कैसा परफॉर्म कर रहे हैं हाउ आर दे इमर्जिंग एस लीडर्स यही तो रेपुटेशन है जितने अच्छे प्लेसमेंट्स होंगे कंपनीज को पोटेंशियल लगेगा तो वो लेकर जाएंगी प्लेसमेंट्स अच्छे होंगे वो बढ़िया काम करेंगे तो कौन से कॉलेज के पास आउट हो उसकी रेपुटेशन बढ़ती है ना एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड तो ऑफ कोर्स अकेडमिक क्रेडेंशियल्स को आप हल्के में नहीं ले सकते दे डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल लीडरशिप पोटेंशियल हाउ वेल यू हैव डेमानस्ट्रेटेड वट एवर यू हैव डन सो फार राइट डू यू हैव दैट विजन मे बी यू आर नॉट एक्सेप्शनल बट आर यू स्टिल शो केसिंग सम स्किल सेट वेर यू आर अवेयर वेयर यू आर क्रिएटिव वेर यू आर ग्रूमिंग मेटोरिंग पीपल और एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू राइट एंड एंडल एट्रीब्यूट्स इंटरपर्सनल स्किल्स द वे यू कम्युनिकेट द वे यू हैंडल स्ट्रेस

क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ आर टीचिंग स्टूडेंट्स इन इंग्लिश तो कम ही स्टूडेंट्स को देना पड़ता है बट स्टिल अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश सब्जेक्ट में नहीं करी है एज द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन सो इन दैट केस यू हैव टू टेक टोफिल और आइल्स आइदर ऑफ़ द एग्जाम्स राइट तो अगर आपको यंग लीडरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आप कॉलेज स्टूडेंट हो आप प्री फाइनल ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो आप अप्लाई कर सकते हो आपके पास कोई फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना जरूरी है बिकॉज ऑफ कोर्स यंग लीडरशिप प्रोग्राम है तो दे नो दैट यू आर इन स्टिल इन कॉलेज और जो आपका इंटर्नशिप्स होता है उसको वो एक्सपीरियंस नहीं काउंट करते हैं ठीक है सो इंटर्नशिप्स अदरवाइज आर काउंटेड इन योर ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यूज़ में हमने क्या इंटर्नशिप की क्या लर्निंग थी राइट व्हाट आर द लेसन यू हैव टेकन आर यू एबल टू अप्लाई द नॉलेज वाइल यू वर इंटर्निंग देयर ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स डेफिनेटली मैटर कहीं आपको इंटर्नशिप करने की जरूरत ही नहीं है है बट उसको वर्क एक्सपीरियंस में नहीं काउंट करते बट ऑफकॉर्स होलिस्टिकली जब आपका सिलेक्शन होता है सिलेक्शन प्रोसेस में आप होते हो इंटर्नशिप्स डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इट्स जस्ट दैट कि वर्क एक्सपीरियंस में वो काउंट नहीं होता राइट right? तो जब हम वाई के एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो तीन स्टेजेस में ये स्प्लिट है स्टेज वन स्टेज टू एंड स्टेज थ्री तो स्टेज वन में तो आपको क्या करना होता है आपको एक फॉर्म uh, सबमिट करना होता है जिसमें वही सिमिलर से ही जैसे आप पी जी प्रोग्राम के लिए करते हैं यू नीड टू हैव योर पर्सनल डिटेल्स अकेड्स का डिटेल्स कोई अवार्ड या अचीवमेंट है एस लिखना है जी मैट का स्कोर स्टेज वन में आपको ज़रूरत नहीं होता ठीक है तो आप जब इनिशियल एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करते हैं उस बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है तो इफ एवरी ओवरऑलिंग ऐसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो इफ यू आर प्लानिंग टू यू नो अप्लाई टू आई एस बी इनश्योर कि आप कोई एवरेज सा ऐसे ना लिखें बिकॉज दैटिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेक्शन प्रोसेस राइट सो दैट्स द स्टेज वन जब आप स्टेज टू पे आते हैं तो आपको स्टेज टू में जब आपका एक बार शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है तो आपको जी मैट जी आर का स्कोर सबमिट करना पड़ता है आपको दो और एसेज दिए जाते हैं राइट और देन यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन अब यहाँ पे आपके पास एक इवालुएटर uh, होते हैं जो इवेलुएटर कौन से हैं जो आपके एच या प्रोफेसर हैं या रिपोर्टिंग मैनेजर थे इंटर्नशिप पे तो ये आपके इवेलुएटर होते हैं जो बेसिकली एक फीडबैक देते हैं कॉलेज को अबाउट द कैंडिडेट राइट सो योर इवेलुएटर कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय द कॉलेज और द डिटेल्स आर दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टेज टू तो अगर आप स्टेज टू में भी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो देन यू कम टू स्टेज थ्री विच इज द पर्सनल इंटरव्यू राउंड वेयर यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ अ पैनल एंड यू आर ग्रिल्ड इंटेंसली बट अगेन दिस इज absolutely worth the grilling and absolutely worth the effort like i told you that isb ka recognition is amazing not only nationally but internationally as well so everything plays a major role, right. So, you can see you either of the three mein fit, hote ho, and then you have to give your heart and soul to GMAT. GMAT is definitely an exam that is easy to crack, right. With the refined version, the focused edition, the exam has become simpler, right. So, if you are preparing for around three to four months with sincerity, it's a great exam to crack, right. I hope this video was useful. Take good care of yourself. Work very, very hard. All the best.